गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है टारगेट प्रीलिम्स 2019 के न्यू सीरीज में। इसमें हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और पीआईबी जो इंडिया है, ये तीनों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाकर, जो भी वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे प्रीलिम्स 2019 के लिए, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये जो सीरीज है ये डेली आपको सुबह 5 बजे मिल जाएगा। आप उठकर सबसे पहले जो है ये आसपास आपके क्या चीज़ें हो रही है और उस चीज़ें को कैसे हम लोग अपने आईएएस एग्जाम के लिए रिलेट कर सकते हैं उसे देख सकते हो। मतलब 10 से 15 मिनट में आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा सारी चीजों का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया सीरीज। ये देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जीडीपीआर मींस जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो इसके बारे में बोला, इट इज डिजाइंड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, इट हैज बीन डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द पर्सनल डेटा ऑफ द ईयू रेसिडेंट। जी हाँ, ये जो जीडीपीआर है ये यूरोपियन यूनियन के जो मतलब वहां के लोग हैं उनके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेजाइल फाइव। फ्रेजाइल फाइव का वर्ड आप लोग सुने होंगे कभी न्यूज़ पे भी, फ्रेजाइल फाइव में इंडिया को भी बोला जाता था। तो फ्रेजाइल फाइव ऐसे कंट्री होते थे, ऐसे इमर्जिंग इकोनॉमीज होते थे जो मतलब जिसकी ग्रोथ तो है लेकिन ग्रोथ की पोटेंशियल जो है वो खत्म हो जा रही है, क्योंकि उसकी कंप्लीट डिपेंडेंस वैसे एंटिटी पे होती है, वैसे लोगों पे होती है कि मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर उसको पैसे देंगे तभी वो जो है ग्रोथ कर लेगी। तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो इकोनॉमी कहती है वो मतलब वो बहुत अच्छी स्थिति पे नहीं, मतलब डायलेमा में रहती है, कभी गिर सकती है कभी उभर सकती है। तो वैसे कंट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे कंट्री को हमको फ्रेजाइल फाइव कहते हैं। तो इट इज अ टर्म क्वाइंट टू रिप्रेजेंट द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज दैट हैव बिकम टू डिपेंडेंट ऑन द अनरिलायबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू द फाइनेंस देयर द ग्रोथ एंड एंबिशंस। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डच डिजीज। अभी देखो हमारे कंट्री में क्या मतलब सिम्टम चल रहा है कि हमारा जो रुपी है वो दिनों दिन फॉल करते जा रहा है। वो कभी कुछ महीने पहले हमारा रुपी था 60-62 के आसपास, अभी हम लोग 70 के आसपास, 70 को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये स्थिति एक पैदा, लेकिन एक उससे रिवर्स स्थिति मैं आपको बताता हूँ और वही सिमिलर चीज़ें होती है डच डिजीज का। अभी मान लो कि हमारी जो रुपी फॉल कर रही है क्योंकि हमारे पास वैसे एक्सपोर्ट के कोई माध्यम नहीं है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। अब देखो एक ऐसा सिचुएशन मानो कि हमारी कंट्री में अभी रुपी फॉल कर रही है और अचानक जो हो कि 2 दिन के बाद कहीं पता चल जाए कि मतलब वहां पे एक ऐसा रिजर्व मिला है जहां पे वाइल्ड रिजर्व है जो कि पूरे विश्व को हम लोग वाइल्ड दे सकते हैं। कहीं दूसरी जगह मान लो हरियाणा में एक जगह एक ऐसा मिल गया जहां पर सोने का खदान ही खदान है, मतलब सिर्फ सोना ही सोना मिल रहा है। वैसे स्थिति में क्या होगी? हमारी जो मतलब वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा गोल्ड जो है, जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं चीजों को, अब हम लोग क्या बन जाएंगे? गोल्ड का एक्सपोर्टर बन जाएंगे। हम जो वाइल्ड जो है मान लो बाहर से जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वही चीजों को हमारे पास इतनी वाइल सफिशिएंट मात्रा से भी ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? तेल को बेचने लगेंगे। तो वैसे में क्या सिचुएशन पैदा हो जाएगा हमारे मतलब देश में कि हमारा जो करेंसी होगा वो करेंसी डॉलर के मुकाबले भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखो ऐसा सिचुएशन जब आएगा तो इसके कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी होंगे। निगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे? अभी जैसे हमारी करेंसी बहुत मतलब स्ट्रांग नहीं है तो वैसे स्थिति में क्या हो रही है कि हमारे छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी स्थिति वो जो है चीजों को बाहर एक्सपोर्ट कर पा रहे। एक्सपोर्ट इसलिए कर पा रहे क्योंकि हमारी जो करेंसी है बाहर के करेंसी के मुकाबले कमजोर है। कमजोर होने के कारण हमारी जो चीजों को है बाहर के लोग इजिली खरीद पाते हैं। लेकिन मान लो हमारी चीजें जब महंगी हो जाएगी तो क्या हमारी चीजों को कोई खरीदेगा? तो ये जो निगेटिव इंपैक्ट लेकर आता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं डच डिजीजेज। अब देखो इससे रिलेटेड ये बातें बताई गई है कि इट रेफर्स टू द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द लार्ज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द कंट्री करेंसी। मतलब आपकी कंट्री की करेंसी का वैल्यू अचानक से इंक्रीज हो जाए। एंड इसका ओरिजिन कब हुआ था? इसका डच इकोनॉमी से इसका ओरिजिन देखा जाता है जब वहां पर क्राइसिस आई थी 1960 में और फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ द नॉर्थ सी नेचुरल गैस। और वहां मतलब डच जो इकोनॉमी थी वो बहुत मतलब खत्म हो रही थी 1960 के आसपास, लेकिन अचानक जो है नॉर्थ सी में उसको नेचुरल गैस का एक भंडार मिल गया। और जब नेचुरल गैस का भंडार मिल गया तो वही चीजें जैसे मैं आपको चीजों को समझाया कि वहां की करेंसी, वहां की इकोनॉमी जो अचानक से स्ट्रेंथन हो गई। और जहां जब एक कोई कंट्री में कोई आप पे विश्वास नहीं कर रहा, कोई आप सब आपको मतलब नीचा समझ रहा है, आपकी करेंसी का कोई वैल्यू नहीं है वर्ल्ड मार्केट में, और आप अचानक आपकी करेंसी इतनी हाइक हो जाए तो कोई भी कंट्री जो है आप पे फिर मतलब आप में कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो इसमें बोला जा रहा है कि इट इज अ सर्टिफिकेशन बाय द फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये ठीक है FEE जिसे हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, दैट बीच मैरी बीच हो गया मतलब जो समुद्र के किराने होते हैं मैरीना होते हैं या फिर सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म होते हैं ऑपरेटर मीट इट्स द स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स मतलब ऐसे कि कुछ ऐसे गाइडलाइंस दिए हुए हैं वहां पर लॉज एंड मेजर्स दिए हुए हैं कि उस लॉज एंड मेजर्स को आपको फॉलो करना होगा ताकि जो बीच एरिया है मैरीना है या फिर जो बोटिंग के थ्रू जो आप टूरिज्म को प्रमोट करते हो तो वो सारी चीजों वो गाइडलाइंस को फॉलो करना है ताकि आप जो है समुद्र के मतलब आसपास के जो किनारे हैं उसे प्रदूषित नहीं करो। चंद्रभागा बीच ऑफ द ओडिशा इज द फर्स्ट इन द एशिया टू गेट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, और चंद्रभागा जो ओडिशा का है ये सबसे पहला है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हां, ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही है और FEE के बारे में भी वो स्टेटमेंट जो बताई गई है वो सही है कि मतलब आपको जो है वो चीजों को जाकर वहां पर जो समुद्र के किनारे है आप उसको प्रदूषित नहीं कर सकते और इसको जो रेगुलेट करने वाली होती है वो जो हमारी गवर्नमेंट की एंटिटी होती है वो सारी चीजों को बताती है और ये मतलब जितने भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जैसे कि क्वालिटी आपकी वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करना, वहां की सेफ्टी को देखना, वहां के इन्वायरमेंटल एजुकेशन के प्रति इंफॉर्मेशन के प्रति और भी प्रोविजन ऐसे लिए जाते हैं कि जो कि जनरल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ओटावा डिक्लेरेशन, ओटावा डिक्लेरेशन किस चीजों से रिलेटेड है? ओटावा डिक्लेरेशन जो है ये आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड है। आर्कटिक काउंसिल की जब मैं बात करता हूं तो ये होता है ओटावा डिक्लेरेशन जो है ये डिफरेंट कंट्रीज आते हैं जिसमें जो कि आर्कटिक ओशन के आसपास की कंट्री होती है जैसे कनाडा हो गया, द किंगडम ऑफ डेनमार्क हो गया, आयरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, रशियन फेडरेशन हो गया, स्वीडन हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, तो ये सारे मिलके जो है एक क्या बनाते हैं आर्कटिक काउंसिल बनाते हैं। और ऐसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि आर्कटिक के आसपास के एरिया जो है उनको मतलब उसका एक कॉमन काउज मिले स्ट्रेंथन होने के लिए, जैसे जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश के तो वो एक कॉमन काउज उसको मिलता है क्या कि हमारी जो एंटिटी है इंडिया, इंडिया जो वर्ड मिलता है वो कॉमन काउज के कारण जो सारे स्टेट्स जो हैं इस चीजों से हमारे नेशनल फ्लैग से जुड़े हुए हैं। तो ठीक उसी तरह जो ये ओटावा डिक्लेरेशन है ये डिक्लेरेशन भी इसी चीज से रिलेटेड और ये आर्कटिक के आसपास के जो भी कंट्रीज हैं ताकि उसके मान लो आर्कटिक के इंडिजिनस कम्युनिटी हो गए या फिर आर्कटिक के इनहेबिटेंट्स हो गए फिर इंटरेक्शन अमंग द आर्कटिक नेशंस जितने हो गए वो सारी चीजों को वो इजिली कर सके और कॉमन गोल को अचीव कर सके तो इसके लिए जो है आर्कटिक काउंसिल को बनाया गया था। तो वहीं पर ओटावा डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वहीं से उभर कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जब देखते हैं जिसमें बोला था कैटरीन, कैटरीन वाज इन द न्यूज रिसेंटली, ये किस चीजों से रिलेटेड है? तो कैटरीन जो है ये एक जर्मन एक्रोनिम है जिसको हम लोग जो न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होती है ये वर्ड। और ये क्या काम करती है? जैसे कि मेजर द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी न्यूट्रिनो है और उसके सब इलेक्ट्रोवोल्टेइक जो प्रिसीजन होते हैं उसको एग्जामिन करके हम लोग क्या करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द बीटा डीके ऑफ द ट्राइटियम। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो कैटरीन जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है न्यूट्रिनो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं तो वेलार्टा मड टर्टल्स, वेलार्टा मड टर्टल्स जो ये फाउंड का जो अभी पाया गया ये कहां पर फाउंड किया गया? ये जो चीजें वेलार्टा फाउंड की गई है ये जो है मेक्सिको में फाउंड की गई है जो हम लोग प्यूटो वेलार्टा कहते हैं, ठीक है? तो इसमें से चारों के तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ये गलत है, ये नन ऑफ द दीज। इसका राइट आंसर क्या है? प्यूटो वेलार्टा जो कि मेक्सिको में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेवा भोज योजना, सेवा भोज योजना किस चीजों से रिलेटेड है? देखो ये जो स्कीम थी ये किसकी स्कीम है? ये सेंटर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अब जैसे इसको चीजों को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज पहले जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन को समझाता हूं। तो जीएसटी जो इंप्लीमेंट की गई तो इसमें क्या था कि बहुत ऐसे छोटे छोटे जो इन्वेस्टर मैन्युफैक्चर थे उनको भी जीएसटी फाइल करनी पड़ती है, लेकिन अब उसका मामला यहां पर उभर आता है कि वो पहले टैक्सेस तो नहीं देते थे लेकिन जीएसटी के अंदर उन्हें अब टैक्स देना पड़ रहा है, टैक्स फाइल करना, रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है। तो अभी भी उन्हें टैक्स फाइल नहीं करना, अभी भी उन्हें टैक्स नहीं देना, लेकिन इसमें सिर्फ अंतर ये आ गया कि आपको रिटर्न भरना है, मतलब आपने प्रोड्यूसर से कितनी चीजें एक्सेप्ट की, कितनी चीजें बेची, ये सारे रिसिप्ट का जो है पूरा जो डिक्लेरेशन है ये चीजें मतलब मेंटेन करके जो आपको गवर्नमेंट को ये चीजें बतानी है। लेकिन अगर आपका जो मतलब सर्टेन लिमिट है मान लो कि 5 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, अगर ये गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप 5 करोड़ से कम अगर आप मान लो
हो, एक साल में आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और मान लो कि आप 5 करोड़ से कम ही किए, 4.5 करोड़ ही किए, लेकिन आप टैक्स को फाइल कर दिए, तो वैसे स्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है, एक बार जब आप टैक्स को फाइल कर दिए, रिटर्न भर दिए, उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो आपके वो पैसे को आपके बैंक अकाउंट में वापस भेज देती है। ठीक है, तो मतलब सिस्टम मैकेनिज्म सिर्फ चेंज हो गया, पहले आपको पैसे गवर्नमेंट को देने हैं, और एक बार गवर्नमेंट जब आपको रिकॉग्नाइज कर लेगी कि आप विद इन वो जो पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें फॉल कर रहे हो, तो आपको जो है वो पैसे जो गवर्नमेंट वापस रिटर्न कर देती है। सेम जैसे कि अभी आप मतलब आपके घरों में जैसे सिलेंडर लिया जाता है, गैस के सिलेंडर लिए जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, आपको जो है पैसे ज्यादा देने होते हैं, 700-800 रुपए देने होते हैं एक एक सिलेंडर के। लेकिन एक बार जब आप सिलेंडर ले लेते हो, तो वापस जो है प्रति सिलेंडर का जो दाम होता है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। तो ये मैकेनिज्म पहले आपने समझ गया जीएसटी का, तो यही मैकेनिज्म जो है सेवा भोज योजना में भी अप्लीकेबल होता है। सेवा भोज योजना मतलब अब देखो, जैसे गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, बहुत जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ गोल्डन टेम्पल का, तो गोल्डन टेम्पल पे वहां प्रतिदिन में कितने अमाउंट, कितने बहुत सारे लोग होते हैं जो वहां पर क्या करते हैं, जाके लंगर खाते हैं। अब जो लंगर खाते हैं, तो लंगर खाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स तो लाना होगा, वहां सब्जी लाने होंगे, मसाले लाने होंगे, तेल लाने होंगे, रिफाइन लाने होंगे, आटा लाना, चावल लाना, ये सारी चीजें लाना, तो ये जो रॉ मटेरियल्स खरीदा जाएगा, जब ये रॉ मटेरियल्स खरीदोगे आप और लाकर यहां पर बनाओगे, तो इसमें जो पैसे खर्च होंगे, और जो ये पैसे खर्च होंगे रॉ मटेरियल्स को खरीदने बनाने ये सारी चीजों में, तो इसका क्या करना होगा, आपको रिटर्न पहले भरना होगा, और जब ये रिटर्न आप भरोगे तो गवर्नमेंट जो है आपको सब्सिडी दे देगी, सारे पैसे जो है आपको वापस आपके अकाउंट में डाल देगी। तो ये तो पूरा मैकेनिज्म था सेवा भोज योजना का। अब देखो इस ऑप्शन को समझो, अंडर द स्कीम सेंटर शेयर द जीएसटी चार्ज, जो आपने जीएसटी चार्ज किया ऑफ द रॉ फूड मटेरियल परचेस्ड बाय द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन विल बी रिफंडेड, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिफंड कर दिए जाते हैं। इट हैज बीन नोटिफाइड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्या ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा नोटिफाई किया गया? जी हाँ, ये सारी चीजें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ही नोटिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली साइंस द क्वाडगो डिक्लेरेशन, क्वाडगो डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है? क्वाडगो डिक्लेरेशन की जब मैं बात करता हूँ, तो ये एक संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब मैं बात करता हूँ, तो इंडिया जो है वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, उसमें पार्ट करने के लिए मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो अभी सभी लोग यहाँ पर मिले थे और डिक्लेयर किए थे क्वाडगो डिक्लेरेशन, जहाँ पर जो है जो भी देश है वो मतलब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत जो है उसके पक्षधर है, और जो है इस चीजों वो काम करने के लिए अग्रीएबल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और उस स्टेटमेंट्स को आपको बताने हैं। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? जी हाँ, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जी नहीं, ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता, ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आता है। इट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंस्टीट्यूशंस एंड द इंडिविजुअल फॉर द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द खादी विलेज इंडस्ट्री, मतलब ऐसे लोगों को बढ़ावा देना, ऐसे लोगों को सब्सिडी देना, गवर्नमेंट जो हेल्प करेगी जो खादी इंडस्ट्री को मतलब अब विलेजेस में सेटअप करना चाहते हैं, और इसके तहत जो है मतलब इसके रॉ मटेरियल्स जो होंगे खादी से रिलेटेड, जो कॉटन होते हैं वो रॉ मटेरियल को बनाना, और रॉ मटेरियल को वो इंटरमीडिएट्रीज जो है चीजों में कन्वर्ट करना, मतलब खादी के वस्त्र को बनाना, ये सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए ये चीजें ली गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर 1 और 3 है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछे थे, जिसके आंसर आपको मैंने कमेंट सेक्शन में बताने को बोला था। आप में से बहुत लोग इसे नहीं बता रहे, आप इसे टैकल करने की कोशिश करो। अगर अभी आप इस चीजों के आंसर नहीं दे सकते, तो फिर आप जब एग्जामिनेशन का प्रेशर आएगा, तो प्रेशर में चीजें जो है और भी गलत हो जाती है। तो अभी से इसकी आदत डालो, और मैं जल्द जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस सीरीज में इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन पहले आप इसके हैबिचुअल हो जाओ, इसके यूज टू हो जाओ। आपको ये टोटल 10 क्वेश्चन और दिए गए, ये 10 क्वेश्चन जिसका आंसर मैं कल बताऊंगा, इस 10 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो। ये जो पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD से है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है ये कॉम्पैक्ट 2025 क्या चीज है इसके बारे में आपको बताना, तीसरा क्वेश्चन मिहिर शाह कमेटी के बारे में, मिहिर शाह कमेटी इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, चौथा क्वेश्चन आप देखोगे जो ब्रॉड मनी M3 ये किस चीजों से रिलेटेड है,
पांचवा क्वेश्चन जो है इसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बताई गई है, इससे रिलेटेड आप स्टेटमेंट्स को पढ़ो और इसके आंसर देने की कोशिश करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसफॉर्मेटिव कार्बन एसेट फैसिलिटी TCAF के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट देंगे, इसे आपको आंसर करने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कन्वेंशन ऑफ द सप्लीमेंट्री कंपनसेशन CSC से रिलेटेड ये चार स्टेटमेंट है, ये इस दो स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ के आंसर देने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इससे रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट इसे आप पढ़ो और देखो ये कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है और इसमें गलत है तो क्यों है। एंड ट्रेड इन वैल्यू एडेड टीवा जो डेटाबेस है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, और कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो कॉमकासा कहते हैं ये किस चीजों से रिलेटेड, ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 के 10 क्वेश्चन आप इसे आंसर करने की कोशिश करो कमेंट सेक्शन में। और इसके जो क्वेश्चन है इसके जो PDF है ये PDF भी आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/today@click पर, आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके इसे आप पढ़ो और पढ़ने के बाद जो है यहां पर जो स्पेस दी गई है यहां पर आप जो है नोट्स को भी बनाकर रख सकते हो, साथ ही साथ जो है इसके आंसर करने की कोशिश करो और इसके आंसर को मैं इसके आंसर के साथ कल मिलूंगा। थैंक यू, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।